आज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। हिंदी में प्रायिकता। ये 11th 12th में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा अलग टाइप से पढ़ना है। इसमें कुछ डेफिनेशंस होगी, वो पढ़नी है डेफिनेशन। फर्स्ट है ट्रायल एंड इवेंट, ठीक है। इन दोनों का मीन, जैसे कोई भी अपन ट्राई करेंगे किसी भी चीज़ का, मान लेते हैं जैसे एक सिक्का है कॉइन, अगर इसको उछालते हैं तो ये कहलाएगा अपने पास ट्रायल। और अगर कॉइन उछालने के बाद या तो हेड आया या टेल आया, तो कॉइन उछालने के बाद जो उसका रिजल्ट होगा उन दोनों को मिला के जो कहलाएगा वो कहलाएगा इवेंट। मीन्स जो काम अपन कर रहे हैं उछालने का या डाइस डालने का, वो तो ट्रायल कहलाएगा, और उस रिजल्ट के साथ वो जो घटना होगी वो कहलाएगी इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिक इवेंट्स या क्लास, सॉरी केसेस, क्लास नहीं केसेस। इसका मतलब यह है कि कोई भी अभिप्रयोग या जो भी अपन करेंगे, यदि किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम, मतलब कोई भी केस अपन करेंगे, कोई भी ट्रायल करेंगे, तो उसके जितने भी अपने पास रिजल्ट होंगे वो सब एग्जॉस्टिव केसेस या एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कॉइन है, कॉइन को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों इसके एग्जॉस्टिव केस हैं, ठीक। नेक्स्ट फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। एग्जॉस्टिक इवेंट्स में तो सारे आ रहे थे, फेयरवेल में अपने को जो चाहिए, जैसे कैश मान लो कि कोई भी कॉइन उछालने पे अपने को हेड चाहिए, तो ये अपना फेवरेबल केस होगा। डाइस, डाइस को फेंकने पर सिक्स या फोर आना अपने पास फेवरेबल केसेस में होगा, जो अपने को चाहिए वो फेवरेबल केसेस में आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब इसका है कि अपन कोई भी अभिप्रयोग करें या कोई भी इवेंट करें तो उसके अंदर जितने भी होंगे सभी की अनुकूल स्थिति होनी चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। जैसे कॉइन है, कॉइन के पास भी उतने ही चांस है जितने हेड आने के हैं और टेल आने के, सेम चांसेस हैं, तो इनके सेम चांस होने चाहिए, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। जैसे डाइस है, डाइस में 1 2 लेके 6 तक सभी के पास सेम नंबर है, मतलब सेम चांसेस है, ऐसा नहीं कि इसके पास अलग चांस है इसके पास अलग चांस है, सेम चांसेस है, तो ये कहलाते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। नेक्स्ट अपने पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट
इवेंट। यह होता क्या है, यह है कि दो या दो से अधिक, मतलब जैसे कोई भी दो केस है अपने पास, वो एक साथ नहीं हो सकते। कभी भी एक साथ नहीं होंगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट्स कहेंगे। जैसे कॉइन है, कॉइन में एक साथ कभी हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स, नेक्स्ट अपने पास कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स, अब इसमें क्या है कि एक साथ दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स हो जाएं। जैसे एक फर्स्ट तो अपन डाइस वाला ले लें और सेकंड वाला कॉइन ले लें, अगर ये दोनों केसेस साथ में हो तो ये कंपाउंड इवेंट्स होंगे। जब दो या दो से अधिक इवेंट्स हो, या फिर ऐसा हो जाए कि कोई भी बास्केट है, फर्स्ट बास्केट, तीन बास्केट में से मान लेते तीन में से चूज करना हो, और फिर उनमें से बॉल्स को चूज करना हो, तो ये कंपाउंड इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। एक दूसरे पे डिपेंड हो तो डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट। कैसे, जैसे किसी बास्केट में से बॉल निकालना, अगर ये बॉल वापस डाल देंगे तो नेक्स्ट वाला जो इवेंट होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर बॉल बाहर निकाल दी और उसके बाद फिर दूसरी निकाली तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक कॉइन है, अगर उस पर हेड आया तो अपन डाइस को रोल करेंगे, अगर टेल आया तो वापस कॉइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट केस में आ जाएंगे। अगर दोनों अलग अलग ही कॉइन पे कुछ भी आए तो भी अपने को डाइस रोल करना है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस। तो सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस क्या होगा, किसी भी इवेंट से जो भी आउटकम आएगा वो तो कहलाएगा सैंपल पॉइंट, और इन सैंपल पॉइंट से जो स्पेस बनेगा या जो भी सेट बनेगा वो कहलाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। ठीक है, और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1
वन के बीच में होगी, ठीक है, और घटित ना होने की वन माइनस पी ए, ये पी ए बार, इन दोनों का इक्वल वन होता है, ठीक है। चलो ये डेफिनेशन हो गई, नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है।